इनके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये क्या चल गया, टाइम चल रहा है, अप्रैल का महीना बहुत खर्चे वाला है हमारा, क्योंकि ये जो महीना है पता नहीं कैसे जाने वाला है, बहुत टाइट जाने वाला है और सबका जा रहा होगा शायद इस टाइम, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू व्लॉग। और मैं जा रही अपने बेटे को लेने स्कूल से। मेरा सांस थोड़ा जल्दी फूल जाता है, तो चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल ये रही, और डुग्गू जी ये बैठे हुए, ये देखिए क्या हुआ, जाऊँ मैं तो ये अब यही बैठा रहेगा, जब तक मैं आऊँगी तब तक ही यही रहने वाला है, और हाँ 1 घंटा मुझे भी लगेगा वापस आने में, तो तब तक ये मेरा वेट करेगा। ओके डुगू डुगू, बाय बाय कर दो सबको, या हेलो तो कर दो, हेलो कर दो। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, ये पैसे दे दूँ मैं। और आजकल क्या है ना, ब्लॉग बना ही नहीं पा रही बिल्कुल, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा बिजी चल रही हूँ या पता नहीं, टाइम नहीं मिलता है तो, लेकिन शायद अब कंटिन्यू रहेगा, कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ। तो चलिए अभी तो चलते हैं बेटे को स्कूल से लेने, क्योंकि लेट हो रहा है, फिर वो चिल्लाता है मेरे ऊपर कि लेट आते हो आप उधर कहाँ जा रहे हो फिर, चलो। ये क्या हो रहा है, ये शर्ट वर्ट से बाहर निकली हुई है, ये क्या चक्कर है, हैं क्या चुप रहा हूँ मैं, पैसे भी संभालने नहीं आते आपको। स्कूल से आते टाइम मैं बात करने हैं बेटे की ट्यूशन की और बेटी की भी, शायद अच्छा लगा तो चेंज करा दूंगी। बैचेस बन गया है ना, बन गया है, क्योंकि वो मैम दो बैचेस पढ़ाती है, एक में सीनियर बच्चे को पढ़ाती है एक लाइक 4, 5, 6 एंड बाकी में 1, 2 वही आर डी क्लासेस में ट्यूशन की। मेरा कुछ पता करा, हाँ पता चलेगा ना, हम लोग आ गए घर पे स्कूल से है ना भी, और हमने क्या लंच कर लिया है अपना, नहा धो के रेडी है, और अब वेदांत करेगा पढ़ाई, ठीक है पढ़ाई गाल पे लगेगा, फोन नहीं मिलेगा, फोन चाहिए इनको सारा दिन। तो खाना वाना हमने खा लिया है, 4 बज गए हैं, मतलब कि ट्यूशन की बात करने गई थी मैं इसकी, तो वहाँ पे इसलिए मेरे को टाइम लग गया, तो आज खाना भी लेट हो गया, वो भी अभी आने वाले हैं, तो हमने खा लिया है, वो आएंगे तब खाएंगे, और शॉप भी खोलनी है, 4 बजने वाले हैं, तो 4 बजे जाऊंगी नीचे, अभी 4 नहीं बजे हैं, अगर वो आ गए तो नीचे नहीं जाएंगे, और नहीं आए तो फिर हमें जाना पड़ेगा। और देखो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये लेकर इसने मंगाई है स्मार्ट वॉच, ऑनलाइन मंगाई है अमेजोन से, कितने की मंगाई बेटा, 2600 की नहीं है ये है 658 की, कुछ ऐसे है, तो इसके अंदर सिम नहीं है, सिम क्या है कि सिम लगेगी इसमें, और हम इनको बिना बताए सिम ले आए, मतलब बच्चों को बिना बताए जिस दिन ही आई थी, तो वो सिम आगे जियो की जो कि इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए चाहिए एयरटेल की सिम, तो ये पड़ी है डेड डेड, मतलब कि बस इसमें टाइम टाइम दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं कर रही है, तो देखते हैं सिम डालने के बाद क्या काम करेगी, इसने अपने पापा को बोल दिया है सिम लाने के लिए, तो अभी लेकर आएंगे, मेमोरी कार्ड नहीं दिलाऊंगी मैं, मेमोरी कार्ड सिर्फ सिम मिलेगी, बेफालतू खर्चा नहीं, एक एक सिम का और खर्चा इन्होंने कर दिया, अब इसको महीने में रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्या फायदा होगा मुझे इससे, और खर्चा बढ़ गया है, वाईफाई का भी खर्चा, तो मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा, बच्चों के खर्चे बहुत होते हैं, और फिलहाल का जो ये टाइम चल रहा है अप्रैल का महीना बहुत खर्चे वाला है हमारा, क्योंकि दोनों बच्चों की बुक्स आनी है, इसकी भी और बेटी की भी बुक्स आनी है 10th की, और मतलब ट्यूशन भी इसका चेंज कराना है, मतलब इसका हटा दिया था मैंने, तो वो ट्यूशन लगवाना है, वहाँ भी फीस वगैरह जानी है, उनकी भी जानी है, तो बस ये जो महीना है पता नहीं कैसे जाने वाला है, बहुत टाइट जाने वाला है, और सबका जा रहा होगा शायद इस टाइम, क्योंकि सभी बच्चों के लिए इस टाइम बुक्स के लिए, ट्यूशन के लिए, या सब जगह ऐसे ही मतलब घूम रहे होंगे है ना, सारे पेरेंट्स का यही हाल होगा, खर्चे वाला महीना है ये सबके लिए, तो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चे लेकिन नहीं समझते हैं, इनको मोबाइल देखना है, हम इनके लिए भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, ये क्या चल गया, और इनको नहीं दिखता है कि इतने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे है ना, समझे आप, पैसे पूछो कहाँ से आते हैं, सबसे पूछो, सारे पेरेंट्स कैसे बोलते हैं फ्री में आते हैं ना, फ्री में नहीं आते हैं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने अच्छा, के लिए बस खाना खाना और काम, हाँ खाना खाना है, तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, और प्लीज़ जो भी लोग पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं
प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर दो, और घंटी जो है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सबसे पहले मेरे ब्लॉग मिल जाए। और ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो, लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए। बाकी ब्लॉग में बने रहिए, शाम तक क्या होता है। अभी हमारा डुगू खाना खा रहा है, ये देखो डुगू खाना मिल रहा है। डुगू का आज मुंह फुला हुआ, उसने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसको खानी है पेडिग्री, उसकी पेडिग्री भी ऑनलाइन आनी है और दूध में ये खा नहीं रहा है। तो देखो इससे आज उठा भी नहीं जा रहा है, कमजोर हो गया है सब कुछ। तो आज ये खाएगा दूध और ब्रेड। ठीक है, ठीक है डुगू, दूध ब्रेड खाना है। ओके, मुझे करो कितने डेली आती है। चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, डेली क्या आ रही है। काम की टी शर्ट नहीं है, कैसे अलमारी खोल के बैठ गई है, एक भी काम का नहीं है इसमें, इसको एक भी काम की टी शर्ट नहीं दिख रही है। बताओ फेंक दो फिर सारी में ये, और क्या फेंको सारी? इतने कपड़े होने के बावजूद भी कपड़े नहीं है तुम लोगों के पास में, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा क्या होता है, पहनने लायक अभी तो पहन, फिलहाल फिर देखते हैं लाने पड़ेंगे कपड़े, नहीं है तो टाइट हो गए सारे। तो हाय खा ले भी डुगू खाना, खा ले, क्या हुआ, चल खा ले, क्यों नखरे दिखा रहा है, पेडिग्री नहीं को तो खाना नहीं खाएगा क्या है भाई, खाना नहीं खाएगा। देखो भाई ये आज खाना नहीं खा रहा है और इसको चाहिए पेडिग्री, तो इसकी पेडिग्री आएगी तब ये खाना खाएगा, कितना लाड़ दिखा रहा है ये। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वेदांत करेगा पढ़ाई और बस मैं भी इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट रखो अपना बना के, सपोर्ट को बिल्कुल सपोर्ट से मतलब पीछे नहीं हटना। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, बाय कर दो डुगू, चलो बाय कर दो, ये उदास है।